ज्ञान की चार बातें पंचतंत्र कहानी। एक राजा था जिसके महल में एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में अंगूर की एक बेल लगी हुई थी। उस बेल पर एक चिड़िया रोज आकर बैठती थी। चिड़िया अंगूर की बेल से चुन चुन कर मीठे अंगूर खाती थी और खट्टे अंगूर को नीचे गिरा देती थी। चिड़िया के रोज रोज यह हरकत देख उस बगीचे का मालिक बहुत तंग आ गया था। उसने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ ही नहीं आती थी। आखिरकार माली राजा के पास गया और उसे पूरी बात बताई। माली की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को सबक सिखाने की ठान दी। अगले दिन राजा बगीचे में घूमते हुए चिड़िया पर निगरानी रखने लगे। जैसे ही चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने उसे पकड़ लिया। तो चिड़िया ने कहा, राजा मुझे मत मारो, मैं इसके बदले आपको ज्ञान की चार बातें बताऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है जल्दी बताओ। चिड़िया बोली, राजन पहली बात, हाथ में आए शत्रु को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, जो बातें असंभव लगे भूलकर भी उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। फिर चिड़िया बोलते हुए अचानक रुक गई। राजा ने कहा, चौथी बात तो बताओ। चिड़िया बोली, चौथी बात जरा ध्यान से सुनने की है, मुझे जरा ढीला छोड़ दे क्योंकि आपके हाथों में मेरा दम घुट रहा है। राजा ने अपना हाथ ढीला छोड़ दिया और चिड़िया एकदम से उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गई और बोली, चौथी बात यह थी कि मेरे पेट में दो हीरे हैं। यह सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा की यह हालत को देखकर चिड़िया बोली, हे राजन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। पहली बात, मैं आपकी शत्रु थी फिर भी आपने मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात, मैंने बताया था कि असंभव बातों पर भूलकर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। चौथी बात, मैंने आपसे कहा कि मेरे पेट में दो हीरे हैं और आपने भरोसा कर लिया। और अंत में तीसरी बात, बीती हुई बातों पर कभी पश्चाताप नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें इस छोटी सी कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि उस ज्ञान की बात को जानने का कोई अर्थ नहीं जिस पर आप अमल न कर सके। सो आई होप कि आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण।